हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 11th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्य खंड को, ठीक है बच्चों, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से अवतरित भरत महिमा शीर्षक की जो पद्यांश हमें हमारे पाठ्यपुस्तक में दिए गए थे उनकी व्याख्याओं को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। उसी क्रम में बच्चों, तुलसीदास जी द्वारा ही रचित कवितावली जिसका शीर्षक हमारा लंका दहन है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक में अवतरित है, उसकी व्याख्याओं को आज हम लोग पढ़ने वाले। पाठ आपका सेम है लेकिन उसी पाठ के अंदर आपको कवितावली, गीतावली, भरत महिमा ये सारी चीज़ें पढ़नी थी, जिसमें हम लोगों ने भरत महिमा को अच्छे से तीन भाग में एक एक करके आराम से पढ़ा है और उसे अच्छे से समझा हुआ है। उसी क्रम में आज हम लोग प्यारे बच्चों आपके उसी पाठ के कवितावली नामक काव्य के लंका दहन नामक शीर्षक से अवतरित जो यह पद्यांश है इसको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसकी व्याख्याओं को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाई जा रही सारी व्याख्याएं अब तक आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों, उसी क्रम में प्रारंभ करते हैं हम आज आपकी कवितावली की व्याख्याओं को। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपने पद्यांश की ओर आगे बढ़ते हैं और आशा करूंगा कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया आज का जो भी पद्यांश है वह अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का पद्यांश हमारा। जो आज का पद्यांश है बच्चों, देखिए यह लंका दहन से संबंधित है और आप सभी लंका दहन के विषय में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि क्या हुआ था जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता के खोज के लिए श्री हनुमान जी को भेजा था। तो वह जब समुद्र तक पहुँचे थे, जो समुद्र पार करके जब वो लंका पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने माता सीता से सारे संदेश बताए। उसके बाद उन्होंने अशोक वाटिका, जो लंका की अशोक वाटिका थी, उसको नष्ट ध्वस्त कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मेघनाथ द्वारा उन्हें बंदी बना लिया जाता है और उन्हें दशानंद रावण जी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, रावण के सामने प्रस्तुत किया जाता है और रावण आदेश देता है कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि वानरों को अपनी पूंछ से अत्यंत ममता होती है, वानरों को अपनी पूंछ अत्यंत प्यारी होती है। तो अब भाई, राजा का आदेश सराखों पर, लोगों ने आग लगा दी। उसके बाद हनुमान जी ने जो किया, उस पूरी कहानी का, उस पूरे के पूरे कह सकते हैं कि आपको उस दृश्य का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास जी ने अत्यंत सुंदर ढंग से किया है। तो चलिए बच्चों, उस व्याख्याओं को पढ़ते हैं और आनंद उठाते हैं उस समय के लंका दहन के सीन का। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको अगर आप इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ रहे होंगे तो। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी व्याख्या को, जिसमें हमारी व्याख्या का पहला पद्यांश जो है वह है बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंके लील बे को काल रसना पसारी है कैदो बेओ विधि का भरे है भूरी धूम के तु वीर रस वीर तलवारी सी उघारी है तुलसी सुरेश चाप कैदो दामिनी कलाप कैदो चली मेरु ते कृषाणु सरी भारी है देख जादू तात जादू धानी अकुलानी कहाँ कानन उजायो अब नगर प्रजारी है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? पद्यांश अभी हमने व्याख्या बताई कहाँ। ठीक है, तो अब व्याख्या प्रारंभ करते हैं। ये तो अभी मैंने पद्यांश को पढ़ा था थोड़ा सा अपनी लय में। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। तो क्या है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। ठीक है, तो बालधि का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, बालधि का अर्थ होता है पूंछ, विशाल का मतलब विशाल का है पूंछ। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल यानी वो बालधि का अर्थ है पूंछ, विशाल का अर्थ है विशाल। ठीक है, और विकराल ज्वाल यानी विकराल लपटों से जाल मतलब मानो। ठीक है, मानो ऐसा लग रहा है कि जो श्री हनुमान जी की पूंछ है वह जो हनुमान जी की अत्यंत विशाल पूंछ है वह अग्नि का एक गोला है। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी विकराल आगों की जो लपटें हैं उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो। ठीक है, लंका लीलवे को काल रसना पसारी है कि लंका को लीलने के लिए, लंका को निगल जाने के लिए स्वयं काल ने रसना अर्थात जीव अपनी जीभ पसार दी है, अपनी जीभ फैला दी है। आई बात समझ बच्चों? क्या है, पुनः एक बार देखते हैं कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंका लीलवे को काल रसना प्रसारी है।
अब यहाँ पे क्या है कि बालदेव विशाल श्री हनुमान जी की विशाल काय पूछ पे लगी आग को देख करके, विकराल आग को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं काल ने लंका को निगल जाने के लिए, लंका को लील जाने के लिए अपनी जो जीभ है वह पसार दी है। ठीक प्यारे बच्चों, आए बात समझ में। आगे देखते हैं क्या है। कैदो व्योम बीजी का भरे है भूरी धूम केतु। ठीक है, क्या है कि कैदो व्योम बीथ का भरे है भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तलवारी सी उघारी है। कि कैदो व्योम भी दिखा अर्थात आकाश गंगा, कि ऐसा लगता है कि आकाश गंगा में भरे है भूरी धूम केतु। भूरी का होता है अधिक और धूम केतु का अर्थ होता है पुच्छल तारे। ठीक है, धूम केतु का अर्थ होता है पुच्छल तारे। और आगे कहते हैं कि आकाश को देख करके यह प्रतीत होता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि आकाश गंगा में श्री हनुमान जी की पूछ में लगी आग को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश गंगा में सैकड़ों धूम केतु तारे जो है, जो पुच्छल तारे हैं वह घूम रहे हैं। ठीक है, क्या है कि धुएं से भरे आकाश को या आकाश गंगा को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह जो है पुच्छल तारों से भरा हुआ है। ठीक बच्चों, पुनः एक बार देख लेते हैं। कैदो व्योम भीति का भरे है भूरी धूम केतु, यह ऐसा लगता है उस समय श्री हनुमान जी की पूछ में लगी आग को देख करके ऐसा लगता है कि मानो आकाश गंगा में सैकड़ों, ठीक है, पूरी आकाश गंगा में केवल केवल धूम केतु तारे, पुच्छल तारे भरे पड़े हैं। ठीक है, वीर रस वीर तलवारी सी उघारी है, और ऐसा लगता है कि स्वयं वीर रस ने वीर का रूप धारण करके, ठीक है, वीर रस ने वीर का रूप धारण करके तलवारी उघारी है, अपनी तलवार निकाल ली है। ठीक प्यारे बच्चों, तलवारी उघारी है। ठीक है, आई बात समझ रहे, समझ में। आगे बढ़ते हैं। तुलसी सुरेश, तुलसीदास जी कहते हैं सुरेश का अर्थ होता है इंद्र। तुलसी सुरेश चाप कैधु दामिनी कलाप, और हनुमान जी की पूंछ में लगी आग को देख करके ऐसा लगता है कि मानो इंद्र का धनुष जो है, अर्थात जो इंद्रधनुष है वह निकला हुआ है, अर्थात वो चारों ओर अग्नि की लपटों को लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्रधनुष निकला हुआ है। ठीक है, कैधो दामिनी कलाप, दामिनी का अर्थ होता है बिजली, और ऐसा लगता है कि कैधोनो दामिनी कलाप, और ऐसा लगता है कि मानो चारों ओर जो है बिजलियां ही बिजलियां क्या हो रही हैं, चमक रही हैं। ठीक है, चारों ओर क्या हो रही हैं, बिजलियां ही चमक रही। आगे क्या है, कैधो चली मेरु। ठीक है, कैधो चलू चली मेरु ते कृषानुसारी भरी। ठीक है, अब कहें कैधो चली मेरु ते, ये ऐसा लगता है, ठीक है, तुलसीदास जी उस समय का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो मेरु पर्वत से कृषानुसारी आग की जो नदी है भारी है बहना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, श्री हनुमान जी के, ठीक है, भगवान हनुमान जी के पूंछ में लगी आग को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरु पर्वत से जो अग्नि की नदी है वह बहते हुए चली आ रही है। ठीक है, और क्या है, देखे जादू धान, जादू धान का अर्थ है राक्षस, जादूधानी का अर्थ होता है राक्षसी। तो देखे जादूधान अकुलानी कहे कानन उजायो अब नगर प्रजारी, और इस दृश्य को देख करके राक्षस राक्षसियां अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं और कहती हैं कि कानन उजायो, कि इसने अभी तो अशोक वाटिका को नष्ट ध्वस्त कर दिया है, अब नगर प्रजारी, अब नगर की बारी है, अब नगर को यह उजाड़ देगा। ठीक है, आई बात समझे बच्चों। आशा करता हूँ यह जो प्यारा सा पद्यांश था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार देखते हैं क्या है। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मनोलंक लीलिबे को काल रसना प्रसारी है, कैदो व्योम बीथ का भरे है भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तलवारी सी उधारी है उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैदो दामिनी कलाप, कैदो चली मेरुते कृषानुसरी भारी है, और देख जादू धान जादू धानी अकुलानी कहां कानन उजायो अब नगर प्रजारी है। कि श्री हनुमान जी के विशाल पूंछ में लगी आग को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं काल ने अपनी जीव प्रसार दी है लंका को लीलने के लिए, उनकी पूंछ में लगी आग को देख करके ऐसा लगता है कि मानो आकाश गंगा में केवल पुच्छल तारे ही भरे पड़े हैं, और उनकी विकराल पूंछ में, उसकी विशाल पूंछ में विकराल लगी आग को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं वीर रस ने वीर का रूप धारण करके अपनी तलवार निकाल ली है। ठीक है, और तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं इंद्र का वहां पे क्या है, इंद्र धनुष
निकला हुआ है और कैदो दामिनी कलाप और उनके पूंछ में लगी, आपको देखकर कैसा लग रहा है जैसे सैकड़ों दामिनी अर्थात सैकड़ों जो बिजलियां हैं वह कलाप कर रही हैं अर्थात कड़क रही हैं। कैदो चली मेरे से कृषाणु शरीर भारी है और ऐसा लगता है उनकी पूंछ को में लगी आपको देख करके कि मानो मेरु पर्वत से जो सूर्य, ठीक है सूर्य का शरीर का अर्थ होता है नदी, कि ऐसा लगता है कि मानो आग की ज्वालाओं की जो नदी है वह मेरु पर्वत से बह करके निकल के यहाँ चली आ रही है। और देखे जजुथान और इस प्रकार के दृश्य को देखकर जो राक्षस और राक्षसियाँ हैं वो अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं और कहती हैं इस वानर ने अभी तो अशोक वाटिका को नष्ट किया है और अब नगर की बारी है, अब यह नगर भी नष्ट कर देगा। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको पद्यांश जो है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं द्वितीय पद्यांश की ओर। तो हमारा जो दूसरा पद्यांश है प्यारे बच्चों उसको देखिए, तो उसमें क्या है, हाट बाट कोट उठ अटनी अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है, आरत पुकारत संभारत न कोहू काहू व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी है, बाल अधि फिरावे बार बार छहरावे झरे बूंदियां सी लंक घिलाई पाग पागी है, तुलसी बिलो की अगुलानी जादुथानी कहे चित्रहू की कपि सो निशाचर न लागी है। ठीक है, आई बात समझ में। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि हाट बाट कोट, ठीक है हाट बाट कोट ओट, हाट का अर्थ होता है बच्चों बाजार, बाट का अर्थ होता है नगर, कोट का अर्थ होता है किला, ओट का अर्थ होता है गली, अट्टनी का अर्थ होता है अटारी या छत, ठीक है अगार, अगार का अर्थ होता है अगार पौरी यानी घर के बाहर जो खाली जगह होती है उसको अगार पौरी बोला जाता है, खोरी खोरी, ठीक है खोरी खोरी अर्थात गली गली में दौड़ी दौड़ी दौड़ दौड़ करके, ठीक है फिर से सुन लीजिए, हाट का अर्थ होता है प्यारे बच्चों आपका बाजार, बाट का अर्थ होता है आपका मार्ग, कोट का अर्थ होता है आपका किला, ओट का अर्थ होता है गली, अट्टनी का अर्थ होता है अटारी, ठीक है अगार पौरी, अगार पौरी यानी कि घर के बाहर जो खाली स्थान होता है उसको अगार पौरी कहा जाता है, तो अगार पौरी खोरी खोरी यानी गली गली दौड़ी दौड़ी यानी दौड़ दौड़ करके। यहाँ बताया जा रहा है तो हनुमान जी की कलात्मक उस समय जो वो कला कर रहे थे, ठीक है उसके बारे में बताई जा रही है। ठीक है क्या कहा जा रहा है कि हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बाजार मार्ग, ठीक है किला गली अटारी, ठीक है और घर के बाहर जो खाली जगह बसती है वहां पर भी, ठीक है खोरी खोरी गली गली दौड़ दौड़ करके देनी अति आगे, हनुमान जी ने हर जगह क्या लगा दी है, आग लगा दी है। ठीक बच्चों क्या था कि हनुमान जी ने क्या किया है, जो लंका के बाजार थे, जो लंका के किला थे, लंका के घर थे, लंका की छत थी, जो लंका की गलियां थी, सब जगह उन्होंने दौड़ दौड़ करके क्या कर दिया है, चारों तरफ अपनी पूंछ से आग लगा दी है। ठीक है आगे क्या है, आरत पुकारत संभारत न कोहू काहू, कि और इस दशा में लोग अत्यंत व्याकुल हैं और सभी एक दूसरे को अपनी रक्षा करने के लिए पुकार रहे हैं, परंतु संभारत न कोहू काहू, लेकिन इसमें भी कोई भी किसी को इस अवस्था में इस विषम परिस्थिति में कोई किसी को भी संभार नहीं पा रहा है। ठीक है आई बात समझ प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे, और व्याकुल होकर के जो लोग हैं वो जहाँ देखो वहीं बस अपनी जान बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं, बालधी फिरावे बाल बार झरावे झरे, और जब बालधी अर्थात पूंछ को जब श्री हनुमान जी बार बार क्या कर रहे हैं, झरावे अर्थात झटक रहे हैं, ठीक है झरे, तो उनसे उनके पूंछ से जो अग्नि की बूंदें टपक रही हैं उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बूंदियां सी लंक पिघलाई पाग पागी, कि उन आग की जो बूंदियां निकल रही हैं उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आज लंका को पिघला करके उसकी चाशनी बना करके हनुमान जी उसमें पाग को पागेंगे। ठीक है क्या है कि सब श्री हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को झटकते हैं तो उसमें से जो आग की लपटें हैं वह बूंदी की तरीके निकल झड़ती हैं, और उसे देखकर कैसा प्रतीत होता है, उस विकराल समय को देखकर कैसा प्रतीत होता है कि मानो आज लंका को पिघला करके चाशनी बना करके श्री हनुमान जी उसमें पाग को पागेंगे। ठीक होता ना कि चीनी की चाशनी बना करके किसी चीज़ को बूंदी वगैरह पागी जाती है, तो वैसा ही जो आग की बूंदी निकल रही है उसे लंका को पिघला करके चाशनी बनाएंगे हनुमान जी, और उसी लंका की चाशनी में पाग को पागेंगे। ठीक है
आई बात समझ में, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आया होगा। आगे की लाइन को देखते हैं, आगे क्या है, तुलसी बिलो की अकुलानी जादू थानी कहे चित्रव के कपि सो निशाचर ना लागे हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि इस विकराल स्वरूप को, हनुमान जी के इस विकराल स्वरूप को देख करके जो उस लंका की जो राक्षसियां हैं वह कहती हैं कि अगर भविष्य में गलती से भी अगर गलती से भविष्य में चित्र में भी कोई वानर दिख जाएगा तो कोई भी राक्षस उसके नज़दीक नहीं जाएगा। लिखा ना चित्रहू के कपि सो निशाचर ना लागे हैं, निशाचर का होता है राक्षस तो ना लागे हैं चित्रहू के कपि के, अगर चित्र में भी कपि दिख जाएगा तो कोई भी राक्षस डर के कारण उस चित्र को भी नहीं छेड़ेगा, उस चित्र को भी नहीं छुएगा। ठीक है, मतलब हनुमान जी ने इतना डर बना दिया है अपने लंका दहन के प्रकोप से, ये लोग इतने डर गए हैं कि चित्र में भी बने वानर को वह परेशान नहीं करेंगे, ऐसा वह कह रहे हैं। हाई बात समझ में प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा आपको। पुनः इस पूरे पद्यांश की व्याख्या को देखते हैं हम, क्या है कि हनुमान जी ने जो लंका के नगर बाजार, ठीक है, घर छत और गलियां हैं उन सभी में दौड़ दौड़ करके आग लगा दी है और सभी लोग उस आग से बचने के लिए एक दूसरे को पुकार रहे हैं, परंतु उस समय लोग एक दूसरे को किसी को भी वह संभालने में सक्षम नहीं थे और व्याकुल होकर के लोग जहाँ देखो वहाँ भाग रहे हैं। ठीक है, और जब हनुमान जी अपनी बालधी अर्थात अपनी पूंछ को बार बार झटकते हैं तो उससे जो आग की बूंदियां निकलती हैं उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि लगता है कि लंका को पिघला करके चाशनी बना करके स्वयं आज हनुमान जी उसमें पाग पागेंगे। ठीक है, और उस विषम परिस्थिति को देख करके, उस हनुमान जी के इस विकराल स्वरूप को देख करके जो राक्षसियाँ हैं वह कहती हैं कि भविष्य में अगर चित्र में भी उनको क्या दिख जाएगा, वानर दिख जाएगा तो वह उस वानर को, कोई भी राक्षस उसके पास जाने का दुस्साहस नहीं करेगा, उस वानर को छेड़ने का दुस्साहस नहीं करेगा। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अगले तीसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पद्यांश जो है इस लंका दहन का वह है, लपट कराल ज्वल जाल माल दुहु दिसी अकुलाने पहचाने कौन काहिरे पानी को ललात बिल कात जरे गात जाते परे पर माइल जात भ्रात तू निभाही रे प्रिय तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे और तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहाल कहू क्ले ही दस शीस अब 20 चख चाही रे। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि लपट कराल ज्वाल जाल माल दहू दिसी, कि जो लपटे हैं जो उस विकराल अग्नि की जो लपटे हैं वह चारों दिशाओं में फैल गई हैं। क्या बता रहे हैं तुलसीदास जी कि हनुमान जी द्वारा लगाई गई जो अग्नि है वह इतनी विकराल है कि वह अब चारों दिशाओं में फैल गई है। अकुलाने पहचाने कौन करी रे और सभी लोग और उस अग्नि के कारण चारों ओर इतना धुआं फैला हुआ है कि लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। पानी को ललात और सभी के सभी लोग पानी को ललायत हो रहे हैं, बिलात व्याकुल हो रहे हैं, अरे जरे गात जाते और उनका जो शरीर है वह जला जा रहा है और वह लोग पानी के लिए ललायत और व्याकुल हो रहे हैं। परे पाईमल जात भ्रात तू निवाही रे और सभी लोग बुरी तरह से जले जा रहे हैं और अत्यंत व्याकुल होकर के पानी चिल्लाते हैं और इधर उधर वह भाग रहे हैं। ठीक है, क्या है, परे पाईमल जात भ्रात तू निवाही रे और सभी एक दूसरे की रक्षा के लिए एक दूसरे को पुकारते हैं और कहते हैं कि भ्रात तू निवाही रे, हे भ्रात हे भ्राता तुम भाग जाओ, तुम अपनी रक्षा करो। ठीक है, फिर आगे क्या है, प्रिय तू पराही और एक पति जो है जो अपनी पत्नी को कहता है कि हे प्रिय तुम भी भाग जाओ अपनी रक्षा करो, नाथ नाथ तू पराही। ठीक है, और एक जो पत्नी है वो अपनी पति को कहती है कि हे नाथ आप अपनी रक्षा कीजिए, बाप बाप तू पराही और एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र तुम अपनी रक्षा करो, पूत पूत तू पराही रे। ठीक है, मतलब एक पुत्र जो है वो अपने पिता को कहता है कि हे पिताजी आप अपनी रक्षा कीजिए और पूत पूत पराही रे और जो पुत्र है वो अपने पिताजी को कहता है कि हे पिताजी आप अपनी रक्षा कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है कि तुलसी बिलो के लोग व्याकुल बिहाल कहे। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ पे जो राक्षस और राक्षसियाँ अत्यंत व्याकुल हैं और वह बेहाल हैं और व्याकुल और बेहाल होकर के कहती हैं कि ले ही दस शीस कि लो हे दस शीस वाले दशानन रावण अब 20 चीख चाही रे, कि देख लो हे दस शीस वाले दशानन रावण और 20 आंखों वाले, ठीक है, अपनी 20 आंखों से देख लो कि तुमने जो कार्य किया है उसका क्या परिणाम हुआ है। ठीक है, कि जो
इस परिस्थिति को देख रहे हैं लंकावासी, और लंकावासी कहते हैं कि हे दस शीश वाले दशानन रावण, अपने दसों बीसों आंखों से तुम यह जो परिस्थिति हुई है या जो तुम्हारे करतूत का जो परिणाम हुआ है उसे तुम देख लो। ठीक है, ऐसा सभी लोग व्याकुल होकर के कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आशा करता हूँ यह पद्यांश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं कि लपट कराल ज्वल जालमाल दहुदिसी अकुला ने पहचाने कौन काही रे, अब पानी को ललात बिललात जरे गात जाते परे पाई मल जाते भ्रत तू निवाही रे, प्रिया तू पराही नाथ नाथ तू पराही, बाप बाप तू पराही पुत पुत पराही रे, तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहाल कहे ले ही दस शीश अब बीस चक चाही रे। अब यहाँ क्या है कि जब चारों ओर यहाँ पे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि हनुमान जी द्वारा लगाई गई आग इतनी विकराल है कि वह चारों दिशाओं में फैल गई है और इतना धुआं हो गया है कि लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, और सभी लोगों की जो गाते हैं जो शरीर हैं वह जल जा रही हैं, और सभी लोग पानी के लिए ललायत और व्याकुल हो रहे हैं, परे पाई मल जाते, और सभी राक्षस और राक्षसियाँ परेशान होकर के अपने भाई बंधुओं को क्या कर अपनी रक्षा करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं उसमें एक पत्नी जो है एक भाई जो है अपने भाई को कहता है कि भ्रात तू निभाई रखी, हे भाई तू अपनी रक्षा कर ले, एक पत्नी एक पति है जो अपनी पत्नी को कहता है कि तू अपनी रक्षा कर लो। ठीक है, एक पत्नी अपने पति से कहती है कि आप हे नाथ अपनी रक्षा कर लीजिए, एक पुत्र है अपने पिताजी को कहता है कि हे पिताजी आप अपनी रक्षा कीजिए, और एक पिता है जो कहते हैं कि हे पुत्र तुम अपनी रक्षा करो। तुलसी बिलो के लोग व्याकुल बिहार, तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग इस प्रकार देख लोग बताते हैं कि उस अवस्था में, ठीक है, उस समय ऐसी व्याकुलता चारों ओर बैठी हुई थी कि लोग व्याकुल और बेहाल होकर के कहते हैं कि हे दस शीश वाले रावण, अपनी बीसों आंखों से तुम अपनी करतूती का परिणाम देख लो। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पावरे श्री बिथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पवरी पगार प्रति बानर बिलो किए, अध उर्ध बानर विधि दिशी बानर है मानव रहो भरी वानर तिलो किए, मूंदे आँखी हिये में उधार आँखी आगे थाड़ो थाई जहाँ जहाँ तहाँ और कोई को किए, लेहु अब लेहु तब कोई न सिखाओ मानो सोई सत्यराई जाई जाही जाही रो किए। अब यहाँ क्या है, लंका दहन के पश्चात अब सारा माहौल शांत हो गया है, परंतु लोगों के मन में हनुमान जी को लेकर कितना डर बैठ गया है कि क्या बताया जाए, उसी डर का वर्णन यहाँ पे श्री तुलसीदास जी ने किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। क्या कहते हैं वो कि बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति, ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि बीथिका बाजार प्रति कि बाजारों के बीच में राक्षसों को बाजारों में अटनी अगार प्रति अटारी पर, ठीक है, राक्षसों को बाजारों में अटारी अर्थात छत पर पावरी पगार प्रति दरवाजों पर, ठीक है, पावरी पगार प्रति दीवारों पर हर जगह वानर ही वानर दिखाई देते हैं। ठीक है, बीथिका बाजार प्रति अग्नि अगार प्रति पावरी पगार प्रति अर्थात पावरी अर्थात दरवाजों पर पगार प्रति यानी दीवारों पर कि बाजारों के बीच में छत पर दरवाजे पर, ठीक है, और दीवारों पर सभी को इतना डर बैठ गया है कि सभी को चारों तरफ वानर ही वानर, ठीक है, इन सभी जगहों पर वानर ही दिखाई दे रहे हैं। अध उर्ध वानर विदसी दिशी वानर है, ठीक है, और यहाँ वहाँ ऊपर नीचे अर्ध उर्ध अर्थात ऊपर और नीचे, अर्ध उर्ध का अर्थ होता है ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे भी उन्हें वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं। विदिशी दिशी वानर है और चारों दिशाओं में भी उन्हें वानर ही वानर दिखाई दे रहे मानो रहे हैं भरी वानर तिलों की, और ऐसा लग रहा है कि मानो तीनों लोक में केवल वानर ही वानर रहने लगे हैं, तीनों लोक में केवल वानर ही वानर का साम्राज्य है। ठीक है, मूंदे आँखी हीये में ही अर्थात हृदय में, जब वो अपने आँखों को मूंदते हैं तो हीये में अर्थात हृदय में भी वानर अर्थात सपने में भी उन्हें वानर दिखाई देता है। उघारे आँखी आगे थाड़े, और जब वो अपनी आँखें खोलते हैं तो उनको अपने आँखों के सामने वानर दिखाई दे रहा है। ठीक है, थाई जाई जहाँ तहाँ और कोई को किए, और वो जहाँ तहाँ भी जाते हैं इधर उधर वहाँ चारों ओर उनको वानर ही वानर क्या हो रहे हैं दिखाई दे रहे हैं। लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ मानो सोई सत्यराय जाई जाही जाही रोकिए। अब लेहु सब लेहु कि अब कहते हैं कि लीजिए जो दुष्कर्म आपने किया था उसका परिणाम यहाँ मिल गया, तब को न सिखाए मानो, जब आपको
लोग सिखा रहे थे, जब लोग आपको समझा रहे थे कि आप वानर साधारण वानर नहीं है, श्री राम जी का दूत है, ठीक है, तब आपको बातें समझ में ना आई, सोई सतराई जाए। और सभी लोग जब कोई समझाने वाला उन्हें समझाता था तो सभी लोग क्या होते थे, गुस्से हो जाते, सतराई का अर्थ होता है रुष्ट हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे उस समझाने वाले व्यक्ति पर। और जाही जाही रोकी, जिसको जिसको भी रोका जा रहा था वह सभी के सभी क्या हो जाते थे, रुष्ट हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे उसके ऊपर जो उनको यह सतबुद्धि देने का कार्य कर रहा था, उन्हें समझाने का कार्य कर रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार पुनः इस लंका दहन के अंतिम पद्यांश को पुनः देख लेते हैं। क्या है, विधि का बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पवरी प्रगार प्रति वानर बिलोक ये अध उर्ध वानर विदेशी देशी वानर है मानहु रहू हैं भरी वानर तिलो किए मूंदे आँखी हिये में उघारे आँखी आगे थाड़ो थाई जाई जहाँ तहाँ और कोई को किए लेहू अब लेहू तब को न सिखायो मानो सोई सत्यराई जाई जाही जाही रोकिए। कि अब लंका दहन के पश्चात सारी चीज़ें जब शांत हो जाती हैं तो लोगों के मन में फिर भी श्री हनुमान जी को लेकर कितना डर हो जाता है कि वह जब बाजार के बीच होते तो भी वहाँ पे उनको वानर दिखाई देता है, जब वह छत पर चढ़ते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें वानर ही दिखाई देता है, पवरी अर्थात दरवाजे पर भी उन्हें वानर ही वानर दिखाई देते हैं, दीवारों पर भी उन्हें वानर ही वानर दिखाई देते हैं, ठीक है, चारों ओर उन्हें वानर ही वानर, मतलब इन सभी जगहों पर उन्हें केवल वानर ही दिख रहे हैं, अर्थात बंदर ही दिख रहे हैं। अध उर्ध अर्थात ऊपर और नीचे वानर, ठीक है, ऊपर नीचे भी उन्हें वानर ही दिखाई देते हैं, विदेशी दिशी वानर हैं, और ऐसा लगता है कि मानो चारों दिशाओं में केवल वानर ही वानर फैले हुए हैं, मानो रहो भरी वानर तिलों की, और ऐसा लगता है मानो ऐसा लगता है कि तीनों लोक में केवल वानर ही वानर हो गए हैं, तिलों की अर्थात तीनों लोकों में, मूंदे आँखें ही में, और जब वह राक्षस और राक्षसियाँ अपनी ही अर्थात आँखें मूंदती तो ही अर्थात हृदय में, उनके हृदय में भी स्वप्न आता है कि वानर उनको जला रहा है, ठीक है, उघारे आँखी, जब वो अपनी आँखें खोलती तो आगे थाड़ो, तो ऐसा लगता है कि जब वो अपनी आँखें खोलती हैं तो डर के कारण उनको ऐसा लगता है कि मानो उनके सामने ही कोई वानर आकर के खड़ा हो गया है। थाई जाई जहाँ तहाँ और कोई को किए, कि जो लोग हैं यहाँ वहाँ जो लोग जिस तरह भी जा रहे हैं उन्हें सिर्फ वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं। लेहू अब लेहू, ठीक है, अब सभी लंकावासी एक दूसरे से कहते हैं कि लेहू अब लेहू, कि अब भुगतो, ठीक है, ठीक है, लेहू अब ले कि अब भुगतो, जो आपने दुष्परिणाम किया है माता सीता को, आप क्या कह सकते हो, माता सीता का अपहरण करके ला करके उन्होंने जो यहाँ पर अशोक वाटिका में उनको रखा हुआ है, या जो दुष्परिणाम लंकावासियों ने किया है उसका अब जो कर्म है वह आपको भोगना पड़ेगा। तब को न सिखाए मन, जब लोग आपको समझा रहे थे, जब लोग आपको सतबुद्धि दे रहे थे, सोई सतराई जाई जी जी रोकी, और जिसे जिसे रोका जा रहा था, समझाया जा रहा था, वह सभी के सभी उस समझाने वाले पे क्या हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, रुष्ट हो जाते थे, तो लो अब अपने कर्मों का जो फल है उसे आप भोगो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लंका दहन का सही कविता वाली से जो लंका दहन शीर्षक से अवतरित पद्यांश था प्यारे बच्चों, वह होता है समाप्त। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको लंका दहन का यह जो पद्यांश था वह आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी व्याख्याएं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, हम आशा करता हूँ मैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले भाग में, ठीक है, हम लोग इसी पार्ट से गीतावली को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कवितावली हम लोगों ने आज पढ़ लिया है, गीतावली की व्याख्याओं को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें, और अगर आप आज हमारे साथ पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होगी वह बिल्कुल पहले मिलेगी, जिससे आप अपने आप को अपडेट रख पाओगे और पढ़ाई में आगे बढ़ते रहोगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पद्यांश के साथ। धन्यवाद।